All right, welcome to the discussion of ब्रह्मास्त्र रिवीजन सेशंस फॉर ऑडिट सब्जेक्ट सीए फाइनल ऑडिट। जी हाँ, ये वाले सेशन के अंदर मैं मेरा इंट्रोडक्शन और ये सब मैं कोई टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, वो सब आप बाद में रिसर्च कर लेना। ऑल राइट, इनफ एक्सपीरियंस है कि आप मेरे से पढ़ सको, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। द फर्स्ट डिस्कशन जो हम ये रिविजन सेशन के अंदर कर रहे हैं, दैट इज SA 700 to 706। तो हर एक रिविजन सेशन का ऐसा कवरेज डिफाइंड होगा स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से मेरी PDF नोट्स होगी। ये नोट्स आपको मेरे मोबाइल ऐप के अंदर फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर मिल जाएगी आफ्टर द सेशन इज ओवर, एंड आप यू नो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये नोट्स को और एक्सेस कर सकते हो। इन केस अगर कहीं मोबाइल ऐप कहीं अगर ऑफ हो जाए या कुछ डाउन टाइम आ जाए तो टेलीग्राम पे भी ये नोट्स अपलोड हो जाएगी। ऑलराइट, पर यूजुअली मोबाइल ऐप में डाउन टाइम आता नहीं है, बट ये मोबाइल ऐप वर्जन टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बोला कि अगर डाउन टाइम आता है डोंट वरी, उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आता है तो फिर टेलीग्राम के ऊपर हो जाएगी, बट प्राइमरीली ये नोट्स आपको हमारे मोबाइल ऐप के अंदर ही मिलेगी और ये सारी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल के अंदर है। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मोबाइल ऐप सबका लिंक है, उसे फॉलो करिए और हमारे इकोसिस्टम का पार्ट रहिए, सो दैट यू नो यू विल बी वेरी क्लियर कि कौन सी चीज कहाँ पे और किसी को कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ओके, सो ये वाला जो ब्रह्मास्त्र रिवीजन है, दिस पर्टिकुलर रिवीजन विल फोकस ऑन द कवरेज ऑफ SA 700 से लेके 706। आई रिपीट, इट विल फोकस ऑन द कवरेज ऑफ SA 700 से लेके SA 706 तक। मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल में ये कवरेज दिया हुआ है इन चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में काफी कुछ और दिया हुआ है, लेकिन 700 to 706 ये बहुत ही मेजर पार्ट है चैप्टर नंबर 7 का, तो जिसको हम कवर करेंगे। एंड कोई भी फाइनल ईयर का अटेम्प्ट आज तक ऐसा नहीं गया है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स ना पूछे हो। दैट मींस मैं वापस क्लियरली बता देता हूँ, 700 से लेकर 706 ये चीजें हमेशा पेपर के अंदर होती ही है, चाहे आप MCQ में बोलो चाहे आप केस स्टडी फॉर्म में बोलो। जो इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस में, न्यू सिलेबस के ये रिविजन लेक्चर्स है कंप्लीटली एज पर न्यू सिलेबस, जो न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन का स्टाइल दिया है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसमें 700 से लेकर 706 में फॉर श्योर वो लोग एप्लीकेशन इवेल्युएशन सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई भी ऐसा थियरी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए अगर एक से एक 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 ऐसा टेक्निकल शब्द एकदम क्लियर ना हो, ऑलराइट, तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू 700 टू 706। और जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं मेरी नोट्स के अंदर, वो सारे वर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए। ऑलराइट, सो एवरीवन, जब हम ऐसे 700 टू 706 की बात करते हैं, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग मेरे ऐसे ही है, पर मैं आपको सब कुछ रीड कर दूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मैंने हैंड रिटन नोट्स इसलिए बनाई है ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं और मैं सारे पॉइंट्स कवर कर सकूं। जब मैं खुद लिखता हूं तो मेरी नोट्स सबसे बेस्ट निकलती है। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू बी कवर्ड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कवर होने वाले हैं, वो होने वाला है SA 700, 701, 705 एंड 706। लेकिन 700 के अंदर क्या? ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एंड कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स। आई रिपीट, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एंड कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट 700 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 701 है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट, टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी, की ऑडिट मैटर्स डिसाइड कैसे होती है, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना होता है, की ऑडिट मैटर्स को दूसरे मैटर्स के साथ कंपेयर करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, एंड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 705 टॉक्स अबाउट क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो वो ओपिनियन हम कैसे देते हैं और एग्जाम में वो ओपिनियन के साथ कैसे डील करना है, उसका ड्राफ्टिंग से लेकर सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। 706 टॉक्स अबाउट एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ यूज कब किए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है और इसका ड्राफ्टिंग क्या है, ये सारी चीजें कवर होगी। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है उसमें मैं ऐसे 700 पहले पढ़ाता हूँ, 701, 705 ऐसा नहीं है, मैं कंसेप्ट्स कवर करते जाता हूँ और ये सारे पॉइंट्स कवर होते जाएंगे। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको बताता है कि व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम्स आपकी आपके दिमाग में कितनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट, इतनी चीज़ें बेयर मिनिमम क्लियर होनी चाहिए, 90% प्रोबेबिलिटी ये कि क्वेश्चन यही सब चीज़ों में से आएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑडिट ओपिनियन के बारे में। आपने एटलीस्ट इतना तो सुना होगा कि ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऐसे कुछ ओपिनियन है। ऑलराइट, ये रिवीजन सेशंस है तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजों का आइडिया है, बाकी मैं सब चीजें कवर कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जब मैं ओपिनियन की बात करता हूँ, डायरेक्ट रीड करना स्टार्ट मत करो, जब मैं ओपिनियन की बात करता हूँ तो हमारा ओपिनियन किसके ऊपर होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टर के ऊपर नहीं होता। पहले तो इतनी चीजें क्लियर करो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। ऑलराइट, अब जब भी एग्जाम में कोई भी ओपिनियन का क्वेश्चन आएगा, आई रिपीट,
जब भी एग्जाम में कोई भी ओपिनियन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पढ़ के आपको फील क्या हो रहा है, कि सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है कि सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है। अगर सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, यानी ऑडिटर ने सारी मेहनत कर ली है फिर भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं लोसा। लोसा का मतलब होता है लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। ऐसे कुछ कुछ शॉर्टकट मैंने यूज किए हैं, पर वो वीडियो में मैं बोल दूंगा, सब कुछ लिख नहीं पाऊंगा, तो सुन लेना, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। चलो सबसे पहले ये चीज को क्लियर करते हैं। अगर आपको समझो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, देन इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा कि मिसस्टेटमेंट्स जो है, जो चीजें गलत हुई है। देखो मिसस्टेटमेंट्स की जब मैं बात करता हूं तो आपका फोकस होना चाहिए ACPD के ऊपर, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जो भी मिसस्टेटमेंट्स है, वेदर वो मटेरियल है कि नहीं है, लेट मी टेल यू, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली मटेरियल तो होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता है आगे डिसाइड करने में, आगे डिसाइड करने में। भाई मटेरियल तो है लेकिन और आगे देखना पड़ता है, बिकॉज बीमारी भी दो तरह की होती है, एक होता है मलेरिया, दूसरा होता है कैंसर, दोनों में शरीर बीमार हो जाता है। ऑलराइट, लेकिन फाइंड आउट करना पड़ता है कि मलेरिया की कैंसर, बिकॉज कैंसर में इंसान खत्म हो जाता है लेकिन मलेरिया के अंदर इंसान वापस फिट हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है तो देखना पड़ता है कि परवेजिव तो नहीं है ना कहीं। सर परवेजिव का मतलब क्या हुआ? परवेजिव का मतलब यह होता है कि जहां पे सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कोचिंग क्लास कंपनी का ऑडिट कर रहे हो एंड वहां पे एडमिशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर यही वाला डेटा गलत है तो वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर कर रहा है। ऑलराइट, तो इसका मतलब इफेक्ट खाली मटेरियल नहीं है, ये तो कैंसर है, ये तो मटेरियल एंड परवेजिव है। लेकिन अगर आप समझो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हो एंड इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ 4% ऑफ टोटल असेट्स है एंड 4% ऑफ टोटल असेट्स गलत गया है, तो भारत का बच्चा बच्चा बता देगा कि सर ये मटेरियल है लेकिन ये परवेसिव नहीं है। सो आई रिपीट, एविडेंस मिलने के बाद आपको इवैल्यूएट करना होता है इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, वेदर इट इज मटेरियल और इमटेरियल। अगर मटेरियल है तो वो परवेसिव है कि नहीं है, वेदर इट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव कि मटेरियल एंड परवेसिव। अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, देन इन दैट केस हम ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग एंड दैट इज नथिंग बट क्वालिफाइड ओपिनियन। एग्जाम्पल में बोलते बोलते दे ही रहा हूं, इन्वेंट्री 4% ऑफ टोटल असेट्स। ऑलराइट, लेकिन अगर कोचिंग क्लास कंपनी है जहां पे एडमिशंस ऑफ द स्टूडेंट्स का डेटा ही गलत है तो इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है, वहां पे क्लियरली बोलना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। जब आप ये लिखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग, तो ऑब्वियसली उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन जब आप ये लिखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, डू नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्स ओपिनियन। सर अगर हम आपके नोट्स का लैंग्वेज यूज करें तो चलेगा? जी हाँ, मैंने नोट्स में जानबूझ के मॉड्यूल का इंग्लिश यूज किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वालिफाइड ओपिनियन का लिखना है तो हम बोलेंगे सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज अवेलेबल, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव एंड देयरफॉर ऑडिटर शुड गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। सपोज आपको एडवर्स ओपिनियन का इंग्लिश लिखना है, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज अवेलेबल, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल एंड परवेसिव एंड देयरफॉर ऑडिटर शुड गिव एडवर्स ओपिनियन, पूरा का पूरा टैली होगा आपका सजेस्टेड आंसर के साथ। लेट मी टेल यू कि यहां तक बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे को एक कंसेप्ट समझ में आता है फाइनेंशियल लेवल पे। तकलीफ कब हो जाती है? जब क्वेश्चन थोड़ा साइलेंट हो। फॉर एग्जांपल ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, और ये एक्चुअली नवंबर 2022 का क्वेश्चन है कि ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आर मटीरियली मिसस्टेटेड। आई रिपीट, क्वेश्चन ये है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आर मटीरियली मिसस्टेटेड। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको पता चलता है कि एविडेंस तो मिला है, आपको यह भी पता चलता है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, आपको यह भी पता चल रहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, यानी कोई चीज तो मटेरियल तो है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अब इस केस में यह पता चल रहा है कि बीमार है शरीर, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि मलेरिया की कैंसर, तो इतना पता चल रहा है कि इट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव, मटीरियल एंड परवेसिव, यह पता नहीं चल रहा है, सॉरी इतना पता चल रहा है कि मटीरियल है लेकिन आगे पता नहीं चल रहा है कि परवेसिव है कि नहीं, ऐसा एग्जाम में हुआ था नवंबर 22 में। देन इन दैट केस ये देखो, मैंने उसका भी सॉल्यूशन दिया है, शांति से मेरी नोट्स देखो।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है, और पेपर का रेफरेंस भी दिया नवंबर 22 में ऐसा हुआ था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ऑन परवेसिवनेस, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन होगा आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। अगर आपको ये लिखने का मौका दे रहा है आंसर, तो ये लिखने का आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, दोनों चीजें एक्सप्लेन करने का। लेकिन समझो एमसीक्यू में आ गया, या समझो आपको क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ये दिया है कि ड्राफ्ट द ओपिनियन पैराग्राफ, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं भाई तुझे कोई एक ही ओपिनियन लिखना पड़ेगा। देन इन दैट केस इफ द क्वेश्चन फोर्सेस अस टू सिलेक्ट, देन हमको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। आई रिपीट, अगर ये वाली साइड की पूरी बात चल रही है, मटेरियल है वहां तक पहुंच गए, लेकिन परवेसिव है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें फोर्स कर रहा है सिलेक्ट करने के लिए, तो हमें क्वालिफाइड ओपिनियन पे जाना पड़ेगा। ये वाली चीज फॉलो करोगे तो आईसीए के कोई भी क्वेश्चन आंसर में गलत जाओगे नहीं आप। ऑलराइट, ओके। तो जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ पूरा? यस, फटाफट फटाफट। अगर सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है, अगर सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है, दैट मींस देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। अब मेरी बात ध्यान से सुना, इसके अंदर मैं दो तीन क्रिटिकल चीजें कवर करने वाला हूं। अगर एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो आज भी मुझे दुख होता है जान के कि कुछ बच्चे डायरेक्ट डिस्क्लेमर लिख देते हैं, भाई क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज तो कर। अगर समझो इन्वेंट्री है 4% ऑफ टोटल असेट्स, लॉकडाउन था इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए, एंड आप वर्चुअल कॉल भी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, और कोई दूसरा अल्टरनेट प्रोसीजर पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है। क्या था? लॉकडाउन था। क्या था? लॉकडाउन था। मैनेजमेंट ने रोका नहीं था आपको, लॉकडाउन था। माना मैंने कि और कोई तरीके से एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसको लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप देखो तो सही, इन्वेंट्री इज ओनली 4% ऑफ टोटल असेट्स, देन इन दैट केस ये सोचो कि ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ हुई तो कितनी गड़बड़ होगी। इवैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, अगर गड़बड़ हो भी गई तो कितनी गड़बड़ होगी, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ये वाला इंग्लिश मुझे चाहिए, ये इंग्लिश नहीं होगा, आई विल नॉट गिव यू द मार्क्स। सो इवैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, देन क्वालिफाइड ओपिनियन। आई रिपीट, अगर एविडेंस नहीं मिला है लेकिन पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, देन यू विल स्टिक टू क्वालिफाइड ओपिनियन। हाउएवर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जबरदस्त एडजस्टमेंट आने वाला है। अगर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेसिव है, माना मैंने कि आपको डिस्क्लेमर बोलने की बहुत जल्दी हो रही है, पर दो मिनट रुको, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। लेट अस से कि आप एक कोचिंग क्लास कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, और मैनेजमेंट जो है वो आपको एडमिशंस का डेटा देने के लिए रेडी नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो आपको एडमिशंस का डेटा देने के लिए रेडी नहीं है, क्या ये लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट हुआ? यस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है, बेचारा मैनेजमेंट भी हेल्पलेस है, ऐसा नहीं है। ये मैनेजमेंट जानबूझकर आपके ऊपर लिमिटेशन क्रिएट कर रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और ऐसी लिमिटेशन क्रिएट कर रहा है कि अगर एडमिशंस का डेटा नहीं मिला तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अगर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेसिव है, क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, ये कौन सा वाला लोसा है? हालात खराब है, लोसा ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। समझो सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फायर में जल गए और कोई बैकअप भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, मैनेजमेंट अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है लेकिन कोई बैकअप अवेलेबल नहीं है, तो टेल मी, क्या ये एक मटेरियल एंड परवेसिव चीज हुई है? यस। क्या ये लोसा है? यस, बट हालात खराब है। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके बात खत्म कर दो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है? वी आर अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन, वी आर अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन। लेकिन अगर लोसा इम्पोस्ड बाय मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस है, ये न्यू सिलेबस मॉड्यूल में खास एडजस्टमेंट दिया है, अगर लोसा इम्पोस्ड बाय मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस है, यानी वो लोग जानबूझ के आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, और ऐसे रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं जिसका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव हो रहा है, देन इन दैट केस सबसे पहले ऐसे बोलता है विड्रॉल के बारे में सोच लो, इज विड्रॉल पॉसिबल और नॉट। सर मैंने यहाँ पे सेबी सर्कुलर का रेफरेंस लिखा हुआ है, वो मॉड्यूल में छापा हुआ है, पर ये वाले लेक्चर में मैं सेबी सर्कुलर के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ, खाली रेफरेंस लिखा हुआ है जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए, बिकॉज सेबी के लिस्टेड एंटिटीज के केस में विड्रॉल के केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो पहले देखो विड्रॉल पॉसिबल है क्या? यस, तो विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। नो, तब जाके डिस्क्लेमर दे दो।
आई रिपीट, अगर इतना बड़ी चीज का एविडेंस नहीं मिल रहा है जो मटीरियल एंड परवेसिव है, देखो हालात खराब है इसलिए एविडेंस नहीं मिल रहा है कि मैनेजमेंट ने लोसा क्रिएट किया है। अगर हालात खराब है जिसकी वजह से एविडेंस नहीं मिल रहा है तो डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। लेकिन अगर मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी ने लोसा क्रिएट किया है तो पहले विड्रॉल के बारे में सोचो, अगर विड्रॉल पॉसिबल है तो विड्रॉ कर लो, अगर पॉसिबल नहीं है देन यू गिव डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। ये एक चार्ट कर लो तो पूरी की पूरी इसमें पॉइंट कवर हो जाता है। आई वॉन्ट अ कन्फर्मेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। एंड अगर एविडेंस नहीं मिला है, खाली इतना लेट अस से ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट लोन गिवन बाय द कंपनी टू एक्स पर्सन। आई रिपीट, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट लोन गिवन बाय द कंपनी टू एक्स पर्सन। क्वेश्चन साला खाली अपने को इतना बता रहा है कि एविडेंस नहीं मिला है। अच्छा, लोन गिवन बाय द कंपनी मटीरियल आइटम तो है, आगे कुछ क्वेश्चन बता ही नहीं रहा है। यानी समझो, अगर ये वाली सिचुएशन में, ये पूरे केस स्टडी में अगर आप फिर से फंस गए, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन परवेसिवनेस, ये जो मैं आपको भी क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये डिसंबर 21 के क्वेश्चन में था। अगर क्वेश्चन फिर से साइलेंट ऑन परवेसिवनेस, यानी इतना बताया है कि डेटा नहीं मिला है, आइटम के बारे में बताया है लेकिन आगे पता नहीं चल रहा है कि यह आइटम पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर कर रही है कि नहीं कर रही है, तो अगर परवेसिवनेस पे साइलेंट है तो फर्स्ट ऑप्शन होगा आइदर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। लेकिन इफ द क्वेश्चन फोर्सेस अस टू सिलेक्ट, देन यू विल हैव टू गो विद अ क्वालिफाइड ओपिनियन। इफ द क्वेश्चन फोर्सेस अस टू सिलेक्ट, देन यू विल हैव टू गो विद अ क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑलराइट, ये है पूरा चार्ट ओपिनियन को लेकर। आर यू थ्रू विद दिस? यस यस। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आप जब ओपिनियन लिखते हो ऑडिट रिपोर्ट में, जब ओपिनियन लिखते हो तो एक ओपिनियन पैराग्राफ होता है, उसके नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन वाला पैराग्राफ होता है। जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो तो ओपिनियन का टाइटल हो जाता है क्वालिफाइड ओपिनियन, नीचे हो जाता है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। बेसिस के अंदर हम सारे रीजंस लिखते हैं। जब आप एडवर्स ओपिनियन देते हो तो एडवर्स ओपिनियन, देन बेसिस फॉर एडवर्स। डिस्क्लेमर देते हो तो डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, नीचे बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, ये जो बेसिस वाला पैराग्राफ होता है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, जिसके अंदर हम लोग रीजंस लिखते हैं कि हमने आखिर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया क्यों, उसका कंटेंट क्या होगा, बिकॉज ये चार मार्क का अलग से क्वेश्चन हो सकता है। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में उसका कंटेंट क्या होगा? देखो, या तो कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हुए होंगे, या तो आपको एविडेंस नहीं मिला होगा, जो भी है उधर लिख देना होता है। अब अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हुए हैं, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हुए हैं अमाउंट को लेकर, क्लासिफिकेशन को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, तो हम लोग जो भी मिसस्टेटमेंट है ना वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन है तो हम लोग बोल देते हैं कि इन्वेंट्री वॉज ओवर वैल्यूड, और कितना अमाउंट गलत गया ना वो हम लोग क्वांटिफिकेशन भी देते हैं, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। वी विल एक्सप्लेन द मिसस्टेटमेंट एंड इंक्लूड द क्वांटिफिकेशन टू द एक्सटेंट इट इज प्रैक्टिकेबल। लेकिन जब डिस्क्लोजर होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होता है, नोट्स टू अकाउंट्स, अगर उसमें इनकरेक्ट डिस्क्लोजर है तो हम लोग बोल देते कि क्या इनकरेक्ट है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यह भी फाड़ू केस स्टडी हो सकता है। अगर डिस्क्लोजर है ही नहीं, यानी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर को ओमिट कर दिया है, आपको एविडेंस मिल चुका है लेकिन उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर को ओमिट कर दिया। सिंपल एग्जांपल ले लूं एक, समझो चार रिलेटेड पार्टी है, आपको पता है कि ये चार रिलेटेड पार्टी है, वो नोट्स टू अकाउंट्स में पता है रिलेटेड पार्टी का लिस्ट लिखना होता है, तो वो लिस्ट उन्होंने नहीं लिखा है। इफ देयर इज नो डिस्क्लोजर, यानी ओमिशन है, देन इन दैट केस ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर, यानी नोट्स टू अकाउंट्स एक्चुअली क्या होना चाहिए था जो उन्होंने ओमिट कर दिया है। जब ओमिशन होता है, ओमिशन, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि जो ओमिशन है वो आप इंक्लूड करो इन योर बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर। एक और जबरदस्त एडजस्टमेंट है, जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, देन इन दैट केस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं। वो जो पूरा फॉर्मेट है ना ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन द ऑडिट रिपोर्ट ड्यू टू डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। लेकिन वो मैं यहां पे कवर नहीं कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में कवर करूंगा, बिकॉज वो ऐसे 700 के स्पेशल एडजस्टमेंट्स के अंदर आएगा। तो भाई
जब आप 705 पढ़ते हो ना, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन, तो ये मेरा चार्ट को पूरा चार्ट लो, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन का कंटेंट पढ़ लो, एंड चेंजेस इन ऑडिट रिपोर्ट ड्यू टू डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, वो मैं अभी 700 के बाद पढ़ूंगा, तभी पढ़ो। बाकी आपके पास अगर मेरी टेक्स्ट बुक है द ऑडिट एकेडमी की, तो उसमें से प्रिपेयर कर लो, बहुत हो जाएगा। हमारा टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन बैंक मोर देन इनफ है, वो पास्ट क्वेश्चन वगैरह सब है उसके अंदर। लेकिन अगर आपके पास वो चीज नहीं है, तो एक बार मॉड्यूल को जरा देख लो। सब लोग एक ध्यान चीज ध्यान से सुनना, कौन सी चीज है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं की है, बिकॉज वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, वो है ड्राफ्टिंग। जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ ट्रू एंड फेयर यू एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग, तो भाई वो ड्राफ्टिंग कैसे होता है, वो ड्राफ्टिंग एक बार आपको देखना पड़ेगा। वो चाहे आप मॉड्यूल से देख लो, अगर मेरे स्टूडेंट्स हो तो क्वेश्चन बैंक के आंसर्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग कवर्ड है, तो ड्राफ्टिंग देख लो। देखो यहाँ पे कैसे ड्राफ्टिंग दिया हुआ, जो एकदम ही जिसकी हालत खराब है, देखो फटाफट फटाफट जिसको खाली कवर करना है, ऑलराइट, एंड ऑडिट में पास हो जाए बस, तो फिर ये आपने चार्ट किया और ये अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए, बात खत्म कर दो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑलराइट, दैट इज हाउ यू विल गो विद दैट। ठीक है, तो साइड साइड में मैं आपको स्ट्रेटेजीज भी देता चाह रहा हूं, हाउ यू कैन कवर थिंग्स। ओके, ठीक है, चलो, तो अपना मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, ये कवर हो गया। ड्राफ्टिंग आप एक बार मॉड्यूल या तो मेरे क्वेश्चन बैंक जो भी वहां से कर लोगे, तो आपका पूरा इशू सॉर्ट हो गया। देन जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो उतना बेटर होता है ये केस। नेक्स्ट, एम्फसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ। देखो भाई, एम्फसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ, ये एक एडिशनल डिस्क्लोजर है जो ऑडिटर देना चाहता है। एकदम शॉर्ट में बताओ, एकदम शॉर्ट में, तो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ तब यूज होता है जब आपको कोई अकाउंट्स की चीज समझानी होती है, कोई अकाउंट की क्लैरिफिकेशन देनी है। एंड अदर मैटर पैराग्राफ तब यूज होता है जब आपको कोई ऑडिट के ऊपर क्लैरिफिकेशन देना है, मतलब ऑडिट को लेकर कुछ समझाना है। एग्जांपल एग्जांपल बताता हूं, डोंट वरी, लेकिन पहले सब लोग यहां थियरी पे थोड़ा ध्यान दो। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एग्जाम में मैटर कौन सी है। फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुए हैं, मैनेजमेंट ने सब कुछ बराबर किया है, एसी पीडी सब कुछ बराबर है, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रीजंस वगैरह सब कुछ बराबर है, उसके बारे में आपको जरा लिखना है, बिकॉज ये हर साल होने वाली चीज नहीं है और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदल सकता है। तो आप एम्फोसिस ऑफ मैटर यूज कर सकते हो, पर एग्जाम में लिखने के लिए थियरी तो लगेगा। सो एम्फोसिस ऑफ मैटर के लिए देखो, सबसे पहले तो देखने का मैटर कौन सा है, मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि कुछ और है। एम्फोसिस ऑफ मैटर तभी यूज होगा, आई रिपीट, एम्फोसिस ऑफ मैटर तभी यूज होगा ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली। वीडियो अटका नहीं है, मैं ओनली 10 बार बोला, इफ इट इज अ मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी एक्स वाई जेड चीज लिखने के लिए एम्फोसिस ऑफ मैटर यूज नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो लिखी गई मैटर है वही जब आपको एक्सप्लेन करना होता है तब एम्फोसिस ऑफ मैटर यूज होता है। सो मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एम्फोसिस ऑफ मैटर की सबसे बड़ी कंडीशन है कि अगर आपको कोई चीज एम्फोसिस ऑफ मैटर में लिखनी है तो उसके ऊपर आपका मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझो अगर ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर अगर एसीपीडी कुछ गलत हो जाता तो फिर ओपिनियन में आ जाता। सो ऑडिटर शुड नॉट हैव अ मॉडिफाइड ओपिनियन। उसके बाद कोई भी ऐसे कोई भी कचरे की चीज नहीं लिख देने का, थोड़ा मैटर इंपॉर्टेंट तो लगना चाहिए। इट शुड बी फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट शुड बी फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड एक चीज, एक 5 मिनट के लिए अभी बायहार्ट कर लो, फिर क्लियर हो जाएगा। एम्फोसिस ऑफ मैटर में अगर कुछ भी लिखना है तो आपको चेक करना पड़ेगा, इट शुड नॉट बी अ की ऑडिट मैटर। आई रिपीट, एम्फोसिस ऑफ मैटर की कितनी कंडीशन है बताओ, 4। फर्स्ट, इट शुड बी अ मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोवाइडेड ऑडिटर डज नॉट हैव अ मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन सच मैटर। समझो आपका टीडीएस को लेकर मॉडिफाइड ओपिनियन है लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी वाली चीज लिख सकते हो एम्फोसिस ऑफ मैटर में, वो मैटर के ऊपर आपका मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। थर्ड, इट शुड बी फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग मैटर होना चाहिए। एंड फोर्थ, अभी थोड़ी देर के लिए बैठ कर लो, क्लियर हो जाएगा क्या है ये। इट शुड नॉट बी अ की ऑडिट मैटर एज पर एसए 701। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है देन इन दैट केस ऑडिटर में मेंशन सच मैटर अंडर एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, अदर मैटर, एक तो ये अदर मैटर का टाइटल मुझे पसंद नहीं है, कुछ कुछ टाइटल मुझे समझ में नहीं आते, जैसे किसी का भाई किसी की जान, क्या टाइटल था वो मूवी का, तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया। सो ये अदर मैटर का ये प्रॉब्लम है, अदर मैटर का आपको लगता है अदर मैटर टाइटल ऐसा ना, आपको लगता है कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं, नहीं,
अदर मैटर का वर्ड अदर कहां से आया है? बिकॉज इट इज अ मैटर अदर देन द मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा है उसको छोड़ के कुछ और लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ भी नहीं लिख सकते क्या शेयर होल्डर्स क्या खाया ढोकला की इडली, नहीं, इट शुड बी अ मैटर जो आपको लगता है कि ऑडिट को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रोवाइडेड सच मैटर इज इंपॉर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट दैट हैज बीन परफॉर्म. सर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूं, आप सब्सिडियरी कंपनी का ऑडिटर हो, आपका रिपोर्ट मैंने यूज किया है तो वो चीज में लिखता हूं अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर. प्रीवियस ऑडिटर का कुछ रेफरेंस लिखना है तो वो चीज में लिखता हूं अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर, जहां पे मुझे ऑडिट के ऊपर कुछ समझाना है. सो प्रोवाइड, ये वाला इंग्लिश जबरदस्त, प्रोवाइडेड सच मैटर इज इंपॉर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट दैट हैज बीन परफॉर्म्ड. एंड आप अदर मैटर में लिखने से पहले एक बार चेक कर लेने का कि ऐसे कोई डिस्क्लोजर बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्रोहिबिटेड तो नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ऑडिट में हो तो कुछ सीएजी ने रेस्ट्रिक्शन डाले हो सकते हैं. सो प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय एप्लीकेबल लॉज. एंड एक और चीज बाय ऐड कर लो, जो भी हो एम्फोसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर में जाने से पहले इतना क्लियर होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी अ की ऑडिट मैटर. चलो तो अदर मैटर की चार कंडीशन बोलो. मैटर अदर देन द मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Provided such matter is important for the better understanding of the audit that has been performed. Provided such disclosure is not prohibited by laws and regulation. And provided it is not a key audit matter as per SA 701. तब जाके आप other matter में use कर सकते हो. दोनों के examples जो मैंने यहाँ पे लिख दी है. Alright. तो चलो short में बोलो, short में बोलो, short में बोलो. Accounts के ऊपर कुछ clarification देना है तो emphasis of matter, and audit को अगर समझाना है तो other matter paragraph. Alright. Okay. अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मॉड्यूल के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मेरी बुक्स के अंदर भी है. अलग अलग एसेस, कुछ कुछ एसेस ऐसे हैं जहां पे एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जो है वो एकदम आपको ऐसा लगेगा कि ये नेसेसरी हो चुका है, लिखना ही पड़ेगा. वरना नॉर्मली एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, ये सब मेरे जजमेंटल कॉल्स होते हैं. लेकिन तीन ऐसे ऐसे हैं, वाह, तीन ऐसे ऐसे हैं जहां पे एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नेसेसरी हो जाता है. वो तीन ऐसे कौन से हैं? ऐसे 210, ऐसे 560, ऐसे 800. अरे सर हमको ये तीनों के तीन याद नहीं है. रिलैक्स बाबा, तो वो पर्टिकुलर ऐसे का रिवीजन लेक्चर के अंदर कवर होगा ना. ऑलराइट, तो ऐसे 210, ऐसे 560, ऐसे 800, ये तीन ऐसे नंबर याद रखो. अगर आपको क्वेश्चन आता है कहां पे एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नेसेसरी हो जाता है, जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको क्लियरली दिखेगा कि हाँ भाई जरूरत तो है. इसलिए तो ये वाला रिवीजन सेशन फर्स्ट रखा है मैंने, ताकि ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, एम्फसिस ऑफ मैटर वगैरह, बिकॉज ये अलग अलग एसेस के अंदर यूज होते रहते हैं. कुछ कुछ एसेस ऐसे हैं जहां पे अदर मैटर पैराग्राफ यूज होता है, और वो मैंने यहां पे सिचुएशंस लिखी हुई है. सर लेकिन ये सारे एसेस हमको अभी याद नहीं. अरे रिलैक्स बाबा, तो ये वाले एसेस का जब रिविजन होगा तो उसके अंदर आएगा, तो जब आप वो रिवाइज करोगे उसके अंदर आएगा. पर ये मैंने लिखा इसलिए है बिकॉज ये अगर आप मेरा एक बार ग्लांस कर लेते हो ना, और अगर समझो आपने ये ऐसे पढ़ लिया है तो आपको पता चल जाए हाँ इसके अंदर आता है. बस एमसीक्यू में यूज होता है ये सब. अरे एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कहाँ यूज होता है, अदर मैटर पैराग्राफ कहाँ यूज होता है. एक बार अगर ये लेक्चर खत्म होने के बाद मेरे नोट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया है. ऑलराइट, ओके. और अगर अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को रिकमेंड करना, मेरे को कुछ मार्केटिंग मार्केटिंग ज्यादा आता नहीं है. सो एवरीवन ओवर हियर, जब आप एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को ड्राफ्ट करते हो, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का जब ड्राफ्ट करते हो, तो एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक अकाउंट्स का क्लेरिफिकेशन है ना. तो सोचो आप इमेजिन करो, जब हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो अपने को बोलना तो पड़ेगा ना, वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर 45 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो हम लोग रेफरेंस देते हैं टू द डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बोलना पड़ता है कि शेयर होल्डर अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा, हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्लेरिफिकेशन है. अदर मैटर पैराग्राफ को लेकर, ड्राफ्टिंग को लेकर कोई रूल्स ही नहीं है. इनफैक्ट इंस्टीट्यूट को ही पता है कि अदर मैटर का टाइटल अच्छा नहीं, इसलिए यहां पे तो उन्होंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी देके रखा है कि अदर मैटर में तो आप टाइटल भी चेंज कर सकते हो. बाकी एज सच कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है फॉर ड्राफ्टिंग अदर मैटर पैराग्राफ. देखो मेरी बात सुनो, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ना, जब आप ऑडिट रिपोर्ट के एसेस पढ़ रहे हो ना, तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए. एंटरटेनमेंट एंड नो, कौन सी तीन चीजें? कंसेप्ट. दूसरा, कुछ एग्जाम्पल आपके दिमाग में, एक दो एग्जाम्पल होने चाहिए. तीसरा, ड्राफ्टिंग, कंसेप्ट एग्जाम्पल ड्राफ्टिंग. बोलो, कंसेप्ट एग्जाम्पल ड्राफ्टिंग. ये तीन चीज क्लियर है ना, आपको कोई हरा नहीं सकता है. और ये तीनों चीज ये नोट्स के अंदर है. ओके, तो अब हम लोग बढ़ेंगे एसए 701 की तरफ, जो है की ऑडिट मैटर्स, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है फाइनेंशियल लेवल पे. बहुत मजा आता है उनको की ऑडिट मैटर्स पे क्वेश्चन पूछने के लिए.
भाई सबसे पहले तो की ऑडिट मैटर कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है. देखो अब तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया था बिकॉज क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एम्फोसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, ये सब फंडामेंटल कंसेप्ट है तो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं. लेकिन की ऑडिट मैटर इज मैंडेटरी 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 ओनली फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. एंड कल उठ के अगर समझो आरबीआई ने बैंकिंग के लिए कर दिया, आईआरडी ने इंश्योरेंस के लिए कर दिया तो फॉलो करना पड़ेगा, पर ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है. खाली लिखना पड़ता है लिखने के लिए कि ऑडिट ऑफ सच एंटिटीज वेर इट इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ, पर ऐसा कुछ है नहीं. आप इतना याद रखो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. एंड वॉलंटरीली ऑडिटर अनलिस्टेड एंटिटीज में अप्लाई कर सकता है द कंसेप्ट ऑफ की ऑडिट मैटर. भाई ये तो एप्लीकेबिलिटी हुई, मीनिंग क्या है की ऑडिट मैटर का. चलो ये दो लाइन एकदम राम बाण की तरह याद रख लो. Key audit matters are selected from matters communicated with those charged with governance. Key audit matter कहां से select होगी? Wikipedia से select होगी? नहीं. It will be selected from matters communicated with those charged with governance. Those charged with governance पता ना, directors audit committee, अरे उनके साथ जो communication हुआ उसमें से ही select होगा. And key audit matters कौन सी matters है? ऐसी matters which are of utmost significance, जो बहुत ही ज्यादा important है, huge utmost significance in the audit of current period as per auditor's professional judgment and experience. तो ऑडिटर अगर तूने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ 50 मैटर कम्युनिकेट किए तो उसमें से तू डिसाइड कर कि कौन सी मैटर्स आर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस. यहां पे ऑडिटर की फट जाती है, ऑडिटर छोड़ो स्टूडेंट्स की फट जाती है, बिकॉज कॉस्टिंग अकाउंट्स, एफएम टैक्स, ये सब में क्या आपके पास क्लियर रूल्स है क्या करना है. ऑडिट में कहां पे, जहां पे ये शब्द आता है प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, देन इन दैट केस साला एग्जाम में कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी मैटर्स आर की ऑडिट मैटर्स. अब सुनो, ऐसा सॉल्यूशन देता हूं ना कि आपको कोई हरा नहीं सकता है. ऐसे 701 के अंदर कुछ फैक्टर्स दिए हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं विच मैटर्स आर की ऑडिट मैटर्स. एंड आज तक का हिस्ट्री निकाल लो, क्वेश्चन इसमें से ही होता है, तो आपको ज्यादा जजमेंट लगाने की जरूरत नहीं. अब जो मैं बताने वाला हूं ना उसमें से कुछ रहेगा तो समझ लेना वो की ऑडिट मैटर है. और इसका कोड वर्ड है सिग्निफिकेंट रीत, सिग्निफिकेंट रीत, RET रीत. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरिया से, जितने भी सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरिया से वो की ऑडिट मैटर हो सकते हैं. अब साला एक और डाउट, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज कौन से हैं? तो उसके एग्जांपल्स ऐसे 315 में दिए, अरे सब जगह से ढूंढ के ले गया नोट्स में, डोंट वरी. सिग्निफिकेंट रिस्क के जो एग्जांपल्स है वो ऐसे 315 के अंदर दिए, एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क. जी हाँ सर, कौन से एग्जांपल्स हैं? लुक एट दिस, फ्रॉड ऑस्कार करके कोडवर्ड दिया है, नीचे उसका मैंने एक्सपांशन किया है, आता उसके ऊपर आता हूं, रिलैक्स. पर इतना पता चला कि सिग्निफिकेंट रिस्क वाली मैटर होगी देन इट कुड बी की ऑडिट मैटर्स. देन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स होंगे, अगर कौन से एस्टिमेट्स, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स विथ हाई अनसर्टेनिटी. सर एस्टिमेट्स विथ हाई अनसर्टेनिटी बेटा ये तो कॉमन सेंस से पता चलता है. मैं चलो आपको पूछ लेता हूं, आप बीकॉम का पेपर देखा है, आप सीए का पेपर देखा है, कौन सा ज्यादा प्रेडिक्टेबल है? बीकॉम का. आप जितना मार्क्स प्रेडिक्ट करते हो उतना आता है, सीए में होता है. तो सीए के रिजल्ट्स आर एस्टिमेट्स ऑफ हाई अनसर्टेंटी, और आजकल तो पेपर चेकिंग के बाद हाईएस्ट अनसर्टेंटी हो गया. ऑलराइट, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल केस चल रहा है तो उसका आउटकम कितना अनसर्टन है ना, हाई अनसर्टेंटी. समझो वैल्यूएशन करना है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का, उसका आउटकम कितना अलग हो सकता है आप जो सोच रहे हो उससे. तो सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स विद हाई अनसर्टेनिटी. लेकिन अगर आपको सारे एग्जांपल्स चाहिए तो ऐसे 540 के अंदर सारे एग्जांपल्स दिए सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स विद हाई अनसर्टेनिटी वाले. तो वन मोर टाइम, सिग्निफिकेंट आर फॉर रिस्क, ई फॉर एस्टिमेट्स एंड ई टी इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन. इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन को लेकर कोई खास क्वेश्चन आता नहीं, पर समझो अगर एग्जाम में बोल दिया कि सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, तो समझ लेना कि की ऑडिट मैटर में आ सकता है. ऑलराइट, तो सिग्निफिकेंट रीत RET, उसमें जो ये R और E है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच मैटर्स आर की ऑडिट मैटर्स. एवरीवन ओवर हियर, सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब क्या है? अब ध्यान देना, क्या कोडवर्ड दिया मैंने, फ्रॉड ऑस्कार. अगर कोई फ्रॉड वाला रिस्क है तो सिग्निफिकेंट रिस्क है. तो समझो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि ये फ्रॉड रिस्क एरिया है, ओ तो ये आगे जाके की ऑडिट मैटर हो सकता है. देन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जिसने कोई इक्विटी का ट्रांजेक्शन किया या लोन का बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन किया, की ऑडिट मैटर हो सकता है. देन एस फॉर मैंने वहां पे कवर नहीं किया, एस फॉर सब्जेक्टिविटी है जो एनीवेज इसमें कवर हो जाता है एस्टिमेट्स विद हाई अनसर्टेनिटी, इसलिए फिर वापस मैंने नहीं लिखा.
सी फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन वर्ड डाल दिया उन्होंने, अच्छा अमलगमेशन मर्जर एक्विजिशन तो है ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। देन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समझो जीएसटी की जगह पे आ गया कुछ सुपर जीएसटी, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, देन इन दैट केस वी नीड टू बी वरीड बिकॉज उसका अकाउंटिंग वगैरह कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी तो बच्चों को पता ही है सिग्निफिकेंट रिस्क वाला एरिया है। एम आई क्लियर विद दिस? यस। तो वन मोर टाइम, ऑडिटर को अपना जजमेंट लगाकर डिसाइड करना है कि कौन सी मैटर्स आर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस इन डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स। लेकिन ऑडिटर जब ये जजमेंट लगाएगा तो ऑडिटर को क्या सोचना है, सिग्निफिकेंट रीत, ये सोच लिया ऑडिटर ने तो हो गया, डिसाइड हो गया कि विच मैटर्स आर की ऑडिट मैटर्स। ओके, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, कंसेप्ट तो आना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ ड्राफ्टिंग भी आना चाहिए, ड्राफ्टिंग की ऑडिट मैटर्स। आपका वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट करके रिपोर्ट होता है, उसके अंदर की ऑडिट मैटर्स का अलग से पैराग्राफ होता है, उसमें ना स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स में क्या होता है, पहले तो हम लोग की ऑडिट मैटर का मीनिंग समझाते हैं। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स व्हिच अकॉर्डिंग टू ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। देन एक क्लैरिफिकेशन देते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके देखो, उसके अंदर एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स वाली जो चीज है ना, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्टिमेट है विथ हाई अनसर्टनिटी, वो उन्होंने की ऑडिट मैटर में कवर किया है। अब जब आप देखोगे वो, तो भाई ऑडिटर है ना ऑडिटर, वो तेल का और गैस का अलग से ऑडिट करने नहीं गया था, ठीक है, वो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करने के लिए गया था। तो लोग हम लोग से ज्यादा एक्सपेक्ट ना कर ले, रीडर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट ना कर ले, इसलिए हम एक क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्लैरिफिकेशन में क्या लिखते हैं कि भाई ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स, ऐसा करके क्लैरिफिकेशन देते ताकि लोग ज्यादा एक्सपेक्ट ना कर ले। ये हो गया की ऑडिट मैटर का स्टार्टिंग का तीन चार लाइन। उसके बाद हर एक की ऑडिट मैटर का आपको हेडिंग देना है, जैसे एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, करेक्ट। ये हेडिंग देने के बाद आपको रॉ एक्सप्लेन करना है कि ये चीज नोट्स टू अकाउंट्स में कहां पे मिलेगी, अगर अकाउंटिंग मैटर है तो। देन इसके लिए आपने कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की, एंड आपको क्यों लग रहा है, व्हाई डू यू थिंक इट इज मैटर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। तो ऐसे ड्राफ्टिंग होता है की ऑडिट मैटर का। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही सेंसिटिव है फॉर फाइनेंसियर केस स्टडीज। मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूं यार, पहले क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, फिर एम्फेसिस मैटर अदर मैटर, फिर मैं की ऑडिट मैटर का कंसेप्ट लेता हूं, सो दैट मैं की ऑडिट मैटर को पहले आपने जो पढ़ा उसके साथ कंपेयर कर सकूं। अब मैं पढ़ाने वाला हूं की ऑडिट मैटर वर्सेस अदर पैराग्राफ्स। मुझे एक बात बताइए, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो एंड अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हुआ है, तो डोंट यू थिंक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ऑडिट कमेटी वगैरह ये सब जगह पे मैटर डिस्कस हुआ होगा, यस और नो सर? यस। एंड अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हुआ है तो ऑब्वियसली इसकी वजह से आप क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन जो भी है वो देने तो वाले हो, यस यस। तो ये वाली मैटर आपने ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस भी की हुई है, ये मैटर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट भी है बिकॉज आपके ओपिनियन पे असर आ रहा है, तो हम लोग ये मैटर को कवर कहां करेंगे? ऑब्वियसली अगर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन है तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ में कवर करेंगे। पर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन ऐसा कुछ होगा तो हम लोग ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन, जो भी आपका ओपिनियन है वो ओपिनियन दे दिया, फिर वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन वगैरह वो सब दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद जो की ऑडिट मैटर का हेडिंग आएगा ना, उसके अंदर ये बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का हम लोग रेफरेंस दे देंगे। कैसे लिखेंगे बताएं? In addition to the matters explained in basis for qualified or adverse opinion, following are other key audit matters. Because हम ये deny नहीं कर सकते कि ये matters भी key audit matters तो है। All right.
इसलिए इस तरीके से इसको कवर करेंगे। ओके सिमिलरली अगर समझो कारो 2020 में कोई चीज कवर हो रही है तो कारो में लिखी जाती है, लेकिन उसका एक रेफरेंस यहां पे दे सकते हैं। ऐसे जो जो चीजें स्पेसिफिक मैटर्स के अंदर कवर हो रही है, स्पेसिफिक पैराग्राफ के अंदर कवर हो रही है, वहां पे लिखते हैं, लेकिन उसका एक रेफरेंस यहां पे हम लोग लिख देते हैं। लेकिन मेरी बात सुनना, जब की ऑडिट मैटर वर्सेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है तो आईसीआई ने क्लियरली बोला है इन सच ऑडिट रिपोर्ट, अगर लिस्टेड एंटिटी भी है तो भी इन सच ऑडिट रिपोर्ट देयर विल बी नो की ऑडिट मैटर्स। ऐसी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। ऑलराइट, फिर मेरी बात सुनो, जब मैं की ऑडिट मैटर या एम्फोसिस ऑफ मैटर अदर मैटर की बात करता हूं, भाई बात बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना खुद को। एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ये नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन किया है, फिर भी इन्होंने, ये एक अकाउंटिंग मैटर है, अकाउंट्स का मैटर है, फिर भी रिलायंस के ऑडिटर ने उसको की ऑडिट मैटर में क्यों डाला है, क्यों डाला है, क्यों डाला है? बिकॉज एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स वो मेरे सिग्निफिकेंट रीत के अंदर आता है, इट इज अ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स विद हाई अनसर्टेनिटी, ठीक है। एंड एम्फसिस ऑफ मैटर में क्लियरली ये लिखा था कि अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है तो ही एम्फसिस ऑफ मैटर में आएगा, सिमिलरली अदर मैटर में भी लिखा था। तो मैं एक इंग्लिश का लाइन लिखता हूं, देखो तो ये समझता है आपको, इफ अ मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर, देन अगर अकाउंटिंग मैटर है तो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड ऑडिटिंग मैटर है तो अदर मैटर पैराग्राफ, समझा? बिकॉज की ऑडिट मैटर एम्फसिस ऑफ मैटर अदर मैटर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो की ऑडिट मैटर को पहली प्रायोरिटी देंगे, अगर वो नहीं है तो ही फिर हम एम्फसिस ऑफ मैटर अदर मैटर के बारे में हम सोचेंगे। ओके अब सुनना भाई, आप अगर की ऑडिट मैटर लिखते हो, रिलायंस का मैनेजमेंट आपके पास आया, रिलायंस का सीएफओ आपके पास आया, बोला अरे आप लिख रहे हो की ऑडिट मैटर, बढ़िया चलो तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स डिलीट कर दे क्या? डिलीट कर दे हम लोग, कहा दो दो जगह लिखना है, तो सीएफओ को लाफा मारना पड़ेगा। सो की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर disclosures in the financial statements. I repeat, key audit matter is not a substitute for disclosures in the financial statements. Second, key audit matter is not a substitute for modified opinion. Oh, bhai saab, abhi aapko bataya maine, agar qualified opinion, adverse opinion hai, to wo opinion paragraph ke andar hi likhte hai, key audit matter usko substitute nahi kar sakta. So, key audit matter is not a substitute for modified opinion. Aur teesri aur sabse khatarnak cheez dhyan mein rakho, की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मटीरियल अनसर्टनिटी। ये मैंने कंसेप्ट अभी तक पढ़ाया नहीं है, मटीरियल मतलब रिवाइज नहीं करवाया, बच्चों को तो पढ़ा दिया लेक्चर्स में, मटीरियल अनसर्टनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ एज पर एसए 570। सर ये वाला कौन सा पैराग्राफ है? देखो बॉस, वो मैं ये लेक्चर में कवर नहीं कर पाऊंगा, वो ऐसे 570 के रिवीजन सेशन में, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया है बच्चों की मदद के लिए, बिकॉज अगर किसी को अभी इंस्टेंट रिवाइज करना हो तो मैंने गोइंग कंसर्न को लेकर एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट में, ऑलराइट, वो पूरा मैंने चार्ट्स यहाँ पे खाली ऐसे पेस्ट कर दिए हैं, जो मैं लेक्चर में लिखा था ना, चार्ट्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो अगर आपको जानना हो मटेरियल अनसर्टनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में, तो खाली एक सेकंड में बता देता हूँ कि अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है एंड मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया है तो उसको हाईलाइट करना पड़ता है, उसके लिए अलग से पैराग्राफ है, ये वाला इधर मैंने लिखा है ये चार्ट में, वो है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। वो पैराग्राफ को कोई भी पैरा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, कोई भी पैरा उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ने? तो ये याद रखना, की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, एंड की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, एंड की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। ये चार चीज याद रखनी होती है, की ऑडिट मैटर इज नॉट करके, तीन सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट और एक पॉइंट एमसीक्यूज के लिए, ऑब्वियसली ये सब चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। देन की ऑडिट मैटर के कुछ एक्सेप्शन, भाई अगर लीगल प्रोहिबिशन है,
फॉर एग्जाम्पल सेबी हैज प्रोहिबिटेड, From disclosing a matter, which is under judicial investigation. भाई तुमको लिखना था की ऑडिट मैटर में कुछ, लेकिन सेबी का ऑर्डर आ गया कि इसको कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती. तो लॉज एंड इनलॉज के अगेंस्ट तो हम कभी जाते नहीं है लाइफ में. देन ये वाला मैं खाली लिखा रहा हूं, एज सच आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, और क्वेश्चन आएगा तो भी बहुत क्लियर क्वेश्चन आएगा. सेकंड वाला एक्सेप्शन बहुत ही अलग है, जरा ध्यान देना. अगर समझो इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, अगर आपको यह लगता है कि एडवर्स कंसीक्वेंसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर विल बी मोर देन द बेनिफिशियल वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी पता है कुछ कुछ चीजें ऐसा लगता है कि यार ये मार्केट में ये खबर नहीं फैली होती तो ही बेटर होता. बिकॉज क्या होता है, ऑडिटर को भी आधी अधूरी चीजें पता होती है, और समझो ऑडिटर को पूरा पता नहीं है, और ऑडिटर को लग रहा है कि ये लिखने से मिसकम्युनिकेशन ज्यादा हो जाएगा, कम्युनिकेशन की जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा. Then in that case, आप डिसाइड कर सकते हो अपना जजमेंट लगा के नॉट टू कम्युनिकेट. लेकिन ऐसा वाला केस अगर वो लोग क्रिएट करते हैं तो फिर उनको क्लियरली वो केस जो है उसमें वो सब इंग्लिश कवर करना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा. पर एटलीस्ट पता तो होना चाहिए आपको कि ऐसा भी कोई एक्सेप्शन है. ऑलराइट, तो ये है आपका की ऑडिट मैटर्स का पूरा कंसेप्ट. कुछ भी नहीं छूटा इसमें, डोंट वरी. नाउ ये मैंने गोइंग कंसर्न का यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है ताकि आपको एक बार रिवाइज करना हो तो, वरना मेरे ऐसे 570 के रिविजन सेशन में होता है वो. अब अपना दिमाग लगाओ भाई, हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कितनी मैटर्स कवर करता है एज एन ऑडिटर. एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप कितनी मैटर्स कवर करते हो, एक या तो कुछ बैलेंस ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ लिखा गया है उसके ऊपर कुछ कवर करना है, या तो आपको ऑडिट के बारे में कुछ बोलना है, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, स्कोप के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, या तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो. जब हम चैप्टर 7 देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट का मॉड्यूल में, तो ये सब एसेस खत्म हो जाने के बाद, ये सब एसेस खत्म हो जाने के बाद, हाँ उन्होंने कुछ सेक्शंस दिए हैं, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, बहुत ही सेंसिटिव सब सेक्शन है ये, इसको हम लोग कहते हैं. मैं पूरा चैप्टर 7 इसमें नहीं कवर कर रहा, 700 to 706, एक लास्ट में एक और सेशन होगा फॉर चैप्टर 7. इसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. लॉ ने जो सेक्शंस दिए हैं जिसके ऊपर हमें कवर कमेंट करना होता है. तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप कितना भी माथा फोड़ लो ना, ऑडिट रिपोर्ट में तीन ही चीजें जाती है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ लिखते हैं, या तो ऑडिट के बारे में कुछ लिखते हैं, या तो स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में लिखते हैं. अब ये मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई वो सब कंपेयर करके यहां पे आता है. अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स यानी लॉ ने कुछ सेक्शन दिए जिसके ऊपर कमेंट करना है, भाई साहब उसके लिए अलग से पैराग्राफ ही है, और वो पैराग्राफ का नाम है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पैराग्राफ. देन अगर आपको आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखना है, लेट मी टेल यू, एक ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ नाम का एक पैराग्राफ है, ओके, जिसके अंदर 9 पॉइंट्स है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, कि वो 9 पॉइंट्स को आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए अदर मैटर पैराग्राफ की जरूरत पड़ी. मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक पैराग्राफ है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, लेकिन उसमें 9 पॉइंट्स है, वो 9 पॉइंट्स को आप एडिट नहीं कर सकते. तो जब आपको एडिशनल क्लेरिफिकेशन देना होता है तो आपको देखना पड़ेगा कहीं ये की ऑडिट मैटर में तो नहीं आ रहा है, बिकॉज डायरेक्ट अदर मैटर पे तो जंप नहीं कर सकते. इस एसए 70 एप्लीकेबल, यस नो. अगर एसए 70 एप्लीकेबल ही नहीं है तो सीधा अदर मैटर पैराग्राफ, बिकॉज ऑडिट के बारे में. अगर एसए 70 एप्लीकेबल है, देखो इज इट अ मैटर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस, ओ रीत 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 बताएगी आपको, कौन बताएगी रीत, तो की ऑडिट मैटर, नो देन अदर मैटर पैराग्राफ, वेरी सिंपल. लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो इंस्टीट्यूट को यहां पर आता है.
अगर मैटर इज रिलेटेड टू मैटर्स प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सबसे पहले एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे, अकाउंट्स वाली बातें है ये, तो सबसे पहले एविडेंस मिला है कि एविडेंस नहीं मिला है। एविडेंस मिला है अगर एसीपीडी में गड़बड़ है तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, एविडेंस नहीं मिला है तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एंड अगर एसीपीडी में गड़बड़ है ही नहीं, एवरीथिंग इज ओके, फिर भी शायद अगर आपको एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने हैं तो देखो ये तीन स्टार करके इधर दूसरा चार्ट बनाया। अगर एविडेंस मिला है एंड एसीपीडी सही है, यानी कि ऑडिट ओपिनियन पे कोई इंपैक्ट नहीं, देखो कहीं गोइंग कंसर्न वाली बात तो नहीं, बिकॉज अगर गोइंग कंसर्न वाली बात है तो फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में आएंगे। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न वाली बात नहीं है तो देखो 701 एप्लीकेबल है क्या, की ऑडिट मैटर, हाँ यस, तो डायरेक्ट की ऑडिट मैटर नहीं बोल देने का, लिस्टेड एंटिटी देख के ऐसा नहीं करने का, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट मैटर, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट मैटर, ऐसे नहीं करने का। अरे देखने का रीत के अंदर आता है क्या, अगर रीत के अंदर आता है तो की ऑडिट मैटर, वरना तो ऐसी अकाउंट्स की चीजों के लिए कौन सा पैराग्राफ है, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये मैंने अब तक जो पढ़ाया उसका एक समरी ऑफ वेरियस मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट, ये अगर आप चार्ट को चार्ट लेते हो कोई आपको हरा नहीं सकता, कितनी भी टफ केस स्टडी पूछ ले दो। एंड न्यू सिलेबस में मैं टफ केस स्टडीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज उनका पूरा एप्लीकेशन इवैल्यूएशन सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चंस मॉड्यूल में भी आ चुके हैं। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, तो 705 हो गया आपका, 701 हो गया, 706 पूरा प्रॉपर प्रॉपर हो गया। ड्राफ्टिंग एक बार देख लेना मॉड्यूल से या मेरी टेक्स्ट बुक से। एंड क्वेश्चंस जो है वो अगर दो ऑडिट एकेडमी के स्टूडेंट्स हो वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट है प्लीज वो मॉड्यूल क्वेश्चंस भी कर लेना। ऑलराइट, और जो मेरे स्टूडेंट्स है ही नहीं वो एटलीस्ट मॉड्यूल क्वेश्चंस तो कर ही लेना। अब मेरी बात सुनो, 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे 700 की मेरी बात सुनो। 700 के अंदर एक कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके लिए मुझे जरा यहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ आ गया, आ गया, ये रहा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, इसको हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एक बार आप रीड कर लीजिए, मतलब ये फॉर्मेट में एक एक लाइन बाय हार्ट होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बता देता हूं, लेकिन मैंने क्यों ये वाली चीज पे ज्यादा मैं ध्यान क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट है जो मुझे बताने हैं। जो अपना ओपिनियन पैराग्राफ होता है उसका लाइन, ये वाला ओपिनियन पैराग्राफ का जो है वो पॉइंट, देन बेसिस फॉर ओपिनियन, ये दो अच्छे से रीड करो, देन गोइंग कंसर्न का तो यहां से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हो तो मेरी नोट्स में आ जाता है, एसएफ 570 में भी आ जाता है। इन्होंने वो क्या किया, अलग अलग ऐसे से फिर से प्रिंट कर करके पेजेस बढ़ा दिए। की ऑडिट मैटर्स का ड्राफ्टिंग आ गया, ये अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ जो है मेरे ऐसे 720 के रिवीजन वीडियो में है। देन मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट्स ओके। ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी एक बार रीड करना चाहिए कि ये 9 पॉइंट्स है क्या। मैं आपको सच्ची बताऊं कभी रीड करना चाहिए, सारे एसएस का रिवीजन खत्म हो जाता ना उसके बाद, ऐसा क्यों सर? अरे बिकॉज क्या होता है, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ के जो 9 पॉइंट्स है ना अलग अलग एसएस से थोड़ा थोड़ा कॉपी कर करके उन्होंने बनाया हुआ है। ऑलराइट, सो वैसे ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी का पैराग्राफ है। देन आपका आता है हाँ, ये जो ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ है ना उसका जो लोकेशन है, लोकेशन ये ध्यान से सुनो, ये जो ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ होता है ना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उसके तीन ऑप्शन है लोकेशन के। एक तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही लिख सकते हो, दूसरा आप ऑडिट रिपोर्ट का एज एन एनेक्सर दे सकते हो, यानी ऑडिट रिपोर्ट के पीछे अटैच कर सकते हो, तीसरा सबसे अनोखा ऑप्शन, समझो आप गवर्नमेंट ऑडिट कर रहे हो एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या होगी, देन इन दैट केस आप वो सर्कुलर का रेफरेंस, वो वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हो। सो आइदर विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और यू प्लीज गिव इट एज एन एनेक्सर टू द ऑडिट रिपोर्ट, और यू कैन गिव अ रेफरेंस, ठीक है, टू द वेबसाइट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, वेबसाइट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, नॉट प्रेग्नेसस ब्लॉग, राइट, ओके। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अपना कंपनी लॉ का है, 143 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3, ये पढ़ना नहीं होता पैराग्राफ, 141 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 की जब पढ़ाई होगी तो उसके अंदर वो आ जाता है, ओके। बाकी आपका सिग्नेचर वगैरह वो सब आपको पता रहता है आर्टिकलशिप में, सिग्नेचर का वो सब टेंशन मत लेना, डेट, हाँ।
तो ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट में वो जो ओपिनियन पैराग्राफ है, बेसिस फॉर ओपिनियन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक रीडिंग, करेक्ट, इतनी चीजें कर लो और ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मुझे जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स इन द ऑडिट रिपोर्ट विच इज द लास्ट पार्ट इन अवर डिस्कशन, ये चार स्पेशल एडजस्टमेंट्स जो है, ओ हो, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एग्जाम में। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो इन्होंने दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये क्या है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? देखो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर एग्जाम्पल समझो, एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो और इन्होंने बैलेंस शीट बनाया, पीएनएल बनाया, कैश फ्लो बनाया, नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाया, अभी सब लिख नहीं रहा हूं, ये सब तो एएफआरएफ का पार्ट है, बराबर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का पार्ट है। समझो इन्होंने एक और चीज बनाई, ब्रांच पीएनएल, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ऐसे बना दिया और ये वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। अब केस समझ में आया, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये हो गया सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, या सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको एक्स्ट्रा कचरा लग रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो प्लीज कवर इट इन ऑडिट ओपिनियन। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इंटीग्रल पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, देन इन दैट केस ऑब्वियसली डू नॉट कवर इट इन ऑडिट ओपिनियन। लेकिन मेरी बात और भी जरा ध्यान से सुनो, साला पता कैसे चलेगा इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि नहीं है? देखो भाई वो तो थोड़ा जजमेंटल कॉल है, लेकिन हम लोग इतना सेफ कर सकते हैं खुद को कि जब मैं मॉड्यूल पढ़ रहा था तो इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं। ये देखो When notes to the financial statements include an explanation or reconciliation of the extent to which financial statements comply with another financial reporting framework, auditor may consider this to be supplementary information that cannot be clearly differentiated from the financial statement. And auditor's opinion will also cover the notes of supplementary schedule. ये क्या है सुनो? अगर इंडिया की सब्सिडरी है, यूके में पेरेंट एंटिटी है, तो इंडिया की सब्सिडरी ने क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं और यूके की पेरेंट एंटिटी के लिए एक रिकंसिलेशन दिया है जो यूके के काम आएगा, तो वो रिकंसिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है? लेकिन सर एग्जाम में, सर अगर एग्जाम में भाई अभी यही सेम एग्जाम्पल आ गया तो बोलोगे इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑलराइट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जुलाई 21 में इसका क्वेश्चन आया था और उसमें क्लियरली हिंट दे दिया था कि ऑडिटर डज नॉट कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो लोग हिंट दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो कवर इट इन ऑडिट ओपिनियन, इफ इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन डू नॉट कवर इट इन द ऑडिट ओपिनियन। लेकिन मैं ऑडिट ओपिनियन में कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी पड़ेगी पता है, कि मैनेजमेंट चालाकी नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट सच सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इन अ मैनर विच क्लियरली डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट ये स्टेप नहीं लेता है देन इन दैट केस मुझे ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि भाई ये वाली सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को हम कवर नहीं कर रहे, क्लियरली लिखना पड़ेगा। तो ये वाला एक एडजस्टमेंट जबरदस्त एडजस्टमेंट है। ऑलराइट, देन सेकेंड, लॉ वर्सेस एसे इन ऑडिट रिपोर्ट, ये वाला एडजस्टमेंट इन्होंने दिया है, ये रहा लॉ वर्सेस एसे इन ऑडिट रिपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि लॉ ने ऑडिट रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट दिया होता है, आई रिपीट, कभी कभी क्या होता है लॉ ने पूरा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया होता है।
समझो कि लॉ ने जो फॉर्मेट दिया है, अगर वो ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्मेट से, हमारे स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग की फॉर्मेट से एकदम अलग है और हमारे जो बेसिक पैराग्राफ से वो भी कवर नहीं हो रहे, तो आईसीआई कहता है देन इन दैट केस आप एसए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इसका रेफरेंस नहीं लिख सकते ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसए ऐसा नहीं लिख सकते। पर मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, इसका इंग्लिश कैसा रखा है उन्होंने। आपको पता है जब मेरी वाइफ के पेरेंट्स जो है ना वो मुझसे कुछ ऐसी चीज कहते हैं जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ना नहीं बोल पाता, लग जाते हैं मेरे, देन इन दैट केस मैं क्या करता हूं, मैं इस तरीके से ना बोलता हूं कि उनको लगे कि ऑलमोस्ट हाँ बोल दिया है पर ना बोल दिया। आईसीआई ने ऐसा इंग्लिश यूज किया है। आईसीआई ने बोला है देखना, इफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द एंटिटी टू यूज अ स्पेसिफिक लेआउट और वर्डिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ ने दिया है तो ठीक है यार, तुम स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस लिख सकते हो। हाँ हाँ, कुछ लड़कियां भी पता है लड़कों को ऐसे ना बोलती है जैसे लगता है कि हाँ ही बोल दिया। बोला आप स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस लिख सकते हो ओनली इफ रिपोर्ट इंक्लूड्स एट अ मिनिमम ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब ये जब पढ़ोगे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ऑलमोस्ट पूरा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कवर कर लिया। बोलता अगर ये सब कवर हो रहा है, लॉ ने जो ऑडिट रिपोर्ट दी है उसमें अगर ये सब कवर हो रहा है तो ठीक है, तो आप ऐसे का रेफरेंस लिख सकते हो। इसका उल्टा क्या हुआ, अगर इसमें से कुछ भी कवर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे का रेफरेंस नहीं लिख सकते। Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से ना बोला है, ऐसे ना बोला है कि ऑलमोस्ट हाँ लग रहा है पर ना है। ओके, मैंने बोला ना ये मुझे डायरेक्ट मॉड्यूल से दिखाने पड़ेंगे पॉइंट्स, तो ये आपका पॉइंट हो गया। देन ये भाई ये मॉड्यूल से पढ़ना, मॉड्यूल यानी टेक्स्ट बुक, मेरी टेक्स्ट बुक है तो उसमें भी है। अब इंटरनेशनल एसेस प्लस इंडियन एसेस ये क्या है समझो। अच्छा वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बन रहा है तो उसमें जापान का गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। समझो वो बुलेट ट्रेन के एक्सपेंसेस का ऑडिट आपको मिला है, वो फाइनेंशियल्स का ऑडिट आपको मिला है, देन इन दैट केस आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी यूज करने पड़ेंगे और इंडियन स्टैंडर्ड्स भी यूज करने पड़ेंगे। ओह, तो ऐसी चीजों में जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्लस इंडियन स्टैंडर्ड्स दोनों का रेफरेंस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली इफ ऐसी ऑडिट रिपोर्ट में भी ये सारी चीजें तो कवर होनी ही चाहिए, एंड जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स है ओपिनियन, एम्फोसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, ये सब में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं फ्रेंकली आपको एक बात बोलू, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम लोग के जो स्टैंडर्ड्स है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही है। नहीं, हमारे रहने के स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, तो ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम इतना होता है नहीं। अब मैं सिर्फ इसका इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, एक बार देखो। ऑडिटर में बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इन एडिशन टू एसेस इशूड बाय द आईसीआई द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी अदर जुरिसडिक्शन। इफ दिस इज द केस ऑडिटर्स रिपोर्ट मे रेफर टू स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग इन एडिशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बट द ऑडिटर शैल डू सो ओनली इफ देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन ओपिनियन, एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर एंड रिपोर्ट इंक्लूड्स एट अ मिनिमम ईच ऑफ द एलिमेंट्स विच आर गिवन अबव। और ये एलिमेंट्स एक बार पढ़ लेना, यानी कि यार आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ओपिनियन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पैराग्राफ, ये सब सारे ऑलमोस्ट पूरा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है। तो अगर ये सब चीजें कवर हो रही है तो ऐसे का रेफरेंस लिख सकते हो। इसका मतलब हमें पता ये चल रहा है कि अगर आपको लिखना है कि ऑडिट हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है, तो भाई इतनी चीजें तो कवर होनी चाहिए वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो ही आप लिख सकते हो। आई वॉन्ट अ कंफर्मेशन, आर यू थ्रू विद दिस? यस और नो सर? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो मैंने आपको वादा किया था एसए 705 में कि लास्ट में ये एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, चेंजेस इन ऑडिट रिपोर्ट ड्यू टू डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत सेंसिटिव है। डिस्क्लेमर की वजह से ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं करके दिखाता हूं ना चेंजेस। ओके, ये समझो ये है आपका, खाली चेंजेस बताऊंगा इसके अंदर, पूरा फॉर्मेट नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है ना, ओपिनियन पैराग्राफ जो होता है ना,
उसमें हम एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, वी हैव ऑडिटेड, अच्छा ओपिनियन की जगह डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऐसा टाइटल होगा, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो कंपनी फॉर द। अब सुनो, ये जो वी हैव ऑडिटेड है ना, इसकी जगह पे आ जाएगा वी हैव बीन एंगेज टू ऑडिट, कि हमें एंगेज तो किया गया था टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिकॉज अगर हम वी हैव ऑडिटेड लिखते हैं तो डिस्क्लेमर का मतलब क्या, वी आर अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन, तो साला वी हैव ऑडिटेड कैसे लिखेंगे? तो डिस्क्लेमर में क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन हम लोग ऐसा लिखते हैं, वी हैव बीन एंगेज टू ऑडिट, फिर जो ओपिनियन होता है उसमें हम लोग लिखते हैं वी आर अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन, ऐसा करके, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। देन ये हो गया आपका ओपिनियन पैराग्राफ को लेकर। देन जो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ होता है ना, पहले आप इतना समझ लो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर कंटेंट कितना जाता है, तो आपको समझेगा कि साला डिस्क्लेमर में चेंजेस क्या हो रहे हैं। बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर टोटल 5 पॉइंट्स जाते हैं। एक होता है रेफरेंस टू एसेस, कि हमने एसेस के हिसाब से ऑडिट किया है। दूसरा होता है रेफरेंस टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ पे जो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है उसके हिसाब से हमने ऑडिट किया है। तीसरा होता है प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर, रेफरेंस टू कोड ऑफ एथिक्स इश्यूड बाय द आईसीएआई वगैरह। चौथा होता है कि हमारे पास जो एविडेंस अवेलेबल है वो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। एंड पांचवा होता है जो हम लोग रीजंस लिखते हैं फॉर मॉडिफाइंग द ओपिनियन। ये डिस्क्लेमर में ये सब कुछ लिखना ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं नॉर्मली क्या जाता है बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर। अब डिस्क्लेमर में क्या होगा, ये वाला जो लाइन है वो ओमिट हो जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला लाइन ओमिट हो जाएगा, और ये तो लिखना ही पड़ेगा रीजंस। तो 2 पॉइंट्स ओमिट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू बेसिस फॉर ओपिनियन, 2 पॉइंट्स ओमिट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू बेसिस फॉर ओपिनियन। यस सर, यस सर, यस सर। देन की ऑडिट मैटर्स जाएगा ही नहीं जब डिस्क्लेमर होगा तभी। फिर मेरी बात सुनो, जो आपका ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ होता है ना, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, उसमें टोटल कितने पॉइंट्स थे, टोटल कितने पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट्स। वो 9 पॉइंट्स की जगह पे सिर्फ 3 पॉइंट्स जाएंगे, वो 9 पॉइंट्स की जगह पे सिर्फ 3 पॉइंट्स जाएंगे, और कौन से पॉइंट्स जाएंगे? फर्स्ट Our responsibility is to conduct audit of financial statements, जो SA 200 के हिसाब से लिखते हैं ना हम लोग अपना overall objective क्या है। Then हम लोग reference देते हैं to basis for disclaimer, कि जा बालक जा basis for disclaimer वाला paragraph पढ़, उसकी वजह से हम लोग हमारी responsibility को fulfill नहीं कर पाए। And ऐसा नहीं कि हम लोग corrupt लोग हैं, हमने हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, वी हैव कंप्लाइड विथ अवर एथिक्स। तो आई रिपीट, ऑडिटर्स ओपी जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो तो रिपोर्ट के अंदर टोटल इतने चेंजेस हो जाते हैं। आई वॉन्ट अ कन्फर्मेशन, आर यू थ्रू विद दिस, येस और नो सर? येस सर। तो 700 से लेकर 706 का आपका मटेरियल रिविजन हो गया। अब मेरी बात वापस जरा ध्यान से सुन लो, मैंने नोट्स में जितने पॉइंट्स कवर किए उतने पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, चाहे अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो मेरे मटेरियल से, चाहे किसी और के स्टूडेंट हो तो उनके मटेरियल से। और एक मटेरियल वैसे तो स्टैंडर्ड ही होते हैं, या तो कहीं के भी अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो फिर आप स्टूडेंट तो हो तो मॉड्यूल से करो, लेकिन जितनी चीजें मैंने कवर करवाई है उतनी चीजें तो एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चंस कवर कर लो, मेरे क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है दैट्स ओके, तो फिर आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर कर लो, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सारा ड्राफ्टिंग क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।